रविवार को सेक्टर 1 पार्क में संपन्न हुए रौनियार समाज के मिलन समारोह में समाज के सक्रिय सदस्य डॉक्टर विनोद प्रसाद को रौनियार समाज भिलाई का सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। विनोद प्रसाद ने अपनी नियुक्ति के लिए समाज के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि समाज के वरिष्ठों द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगे। समाज में नए सदस्यों को जोड़ना, समाज के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना आदि उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए वे अपनी टीम के साथ योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगे। मैं आज बड़ा गर्व से फख्र महसूस होता है मुझे कि समाज वाले मुझे रौनियार समाज के जो मुझे इस दायित्व को दिए वह मैं उसे निर्वाह करने के लिए उपयुक्त समझे। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे समाज रौनियार समाज के बड़े बुजुर्ग सभी को, बच्चे को, महिलाओं को, सबको मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं इस कार्य को जो भी बन सकता है प्रत्येक हमारे समाज को जोड़ने का कार्य भी करूँगा और जितना भी हो सके अपने समाज के लिए मैं वो काम करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। मैं रौनियार समाज के लिए, आज हमारे रौनियार समाज में भवन नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग से आता है, हमारा समाज रौनियार पिछड़ा वर्ग से आता है और हमारा यहाँ भिलाई में आज एक भवन नहीं है, उस भवन को भी हम मांग रखेंगे कि हमको इस समाज को भी एक भवन मिले। और मैं समाज के लिए जो भी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मैं उनका भी पूर्णतः सहयोग करूँगा कि शादी हो जाए और अपने इसमें एक सम्मेलन कराएंगे जिसमें बढ़िया से उनकी बिटिया की शादी हो जाए। इस टाइप का कार्यक्रम योजनाबद्ध हम लोगों ने चलाया है और आगे भी ये चलता रहेगा। और जैसे हमारे समाज में बहुत सारे अभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसमें अभी भी आज भी गाड़ी से सामान बेचते हैं और ये भी करते हैं, तो मैं उनके उत्थान के लिए एक योजना भी बनाया हूँ कि समाज का उत्थान कैसे बढ़े, हम उसके लिए भी विशेष तौर पर योजनाएँ को लागू करके काम चालू करेंगे।